वेलकम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जोन में आप लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक करिश्माती पौधे यानी सुहांजने के मतलब बड़ी दिलचस्प मालूमात शेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च में साइंटिस्ट इसको जन्नती पौधा भी करार दे रहे हैं। दोस्तों, ये पौधा पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद है। इस पौधे के फूलों के अंदर, यंग लीव्स और यंग पॉड्स के अंदर बहुत ही अहम मादनियात छुपी हुई हैं, जो इंसानी सेहत के साथ साथ दूसरे जानदारों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। दोस्तों, मलेशिया में इसके बीजों को मूंगफली के बीजों की तरह ही खाया जाता है। इसके पत्तों से फूलों को पकाकर मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर लोग सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान, फिलीपीन, मलेशिया और इंडिया में लोग इसके फूलों, नरम पत्तों और नरम फलियों को सब्ज़ी के तौर पर पकाकर खाते हैं। दोस्तों, इसकी रूट्स जो हैं वो भी एक ख़ास फ्लेवर रखती हैं। दोस्तों, इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन ए, बी और सी काफ़ी ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। दोस्तों, एक तहकीक के मुताबिक ये मोरिंगा का जो एक पौधा है वो उसके अंदर गाजर से 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए, 7 गुना सिट्रस से तशावा फलों से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी, दूध से 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम और केलों से 3 गुना ज़्यादा पोटाशियम, पालक से 3 गुना ज़्यादा आयरन, दही से 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन और बादामों से 3 गुना ज़्यादा विटामिन ई। दोस्तों, ऐसे ही एक और रिसर्च के अंदर ये बताया गया है कि मोरिंगा के एक्सट्रैक्ट के अंदर गाजरों से 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए और जो ऑरेंज है, ऑरेंज यानी संतरे वगैरह, माल्टा वगैरह, उसमें 1.5 गुना ज़्यादा विटामिन सी और दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम और केलों से 15 गुना ज़्यादा पोटाशियम वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जिनके मतलब रिसर्च की गई है। लिहाजा दोस्तों, ये करिश्माती पौधा अपने घरों में ज़रूर लगाइए। अब आसानी उग जाता है और इसके उगने के अंदर किसी किस्म के मसाइल भी नहीं हैं। नॉर्मल पौधों की तरह बड़ी तेज़ी से उगने वाला ये करिश्माती पौधा ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए। दोस्तों, अगर भैंसों को, जानवरों को काटकर पत्ते खिलाए जाएं तो उनसे उनके दूध की पैदावार भी बढ़ जाती है मेडिसिनल एतबार से, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा करने की सलाहियत है। इस वजह से इनको जानवरों और इंसानों को भी पकाकर खाना चाहिए। मज़ीद बरां इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मज़ीद मुफीद कीड़े इस पर परवरिश पाते हैं। दोस्तों, ये करिश्माती पौधा हर लिहाज से बड़ा ही मुफीद है। दोस्तों, आज की मालूमात यहीं तक। मज़ीद मालूमात के लिए मेरा चैनल इन्फॉर्मेशन जोन ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों को भी इसके मतलब बताएं। ज़रात हो, जनरल नॉलेज हो, करंट अफेयर हो, हर तरह की मालूमात के लिए मेरा चैनल इन्फॉर्मेशन जोन ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम अगली वीडियो में आपसे अहम मालूमात और शेयर करेंगे, लेकिन किसी किस्म की तजावीज़ो आरा हो तो आप इनबॉक्स में कॉमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हम उसके मतलब वीडियो बना सकें। तब तक के लिए दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़। आपकी निस्बात तीर जितने भी हम पे अंकल, मेरे पैसे। पैसे? ओए, कौन से पैसे? चीजें जो खरीदी है उसके पैसे अंकल। ओए, चीजें हमने तुझसे खरीदी कहाँ है, हमने तो छीनी है। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे। क्या सही नहीं कर रहे हैं? जा जाके अपने बाप को बुला। एक सहारा।